हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टारगेट नेट जी आर एफ प्लेटफॉर्म आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बेसिक जो दो टर्म है जो आपके यूजीसी नेट के पेपर में आप लोगों के सामने आती है वो होती है एक नेट एंड जी आर एफ उसके बीच में डिफरेंस बताने सो so, काफी लोगों को डाउट होता है इसमें आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ नेट वर्सेज जी आर एफ की स्टोरी लेके नेट वर्सेज जी आर एफ ठीक है सो so, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है सबसे पहली बात कि दोनों का पेपर सेम होता है ठीक है देर इज़ नो डो देर इज नो टू डिफरेंट पेपर्स फॉर जे आर एफ एज वेल एज नेट ठीक है एक ही पेपर में नेट एंड जे आर एफ का जो लिमिटेशन uh, है और ज, उनका जो क्राइटेरिया वो डिसाइड होता है ठीक है सो सबसे पहली बात कि पेपर दोनों का सेम होता है ठीक है दोनों का सेम पेपर है देन फिर कैसे लोग बोल पाते हैं कि यार हम तो जे आर एफ वाले हैं हम लोग सिर्फ नेट वाले हैं क्योंकि सबसे पहली चीज आपको जो करनी होती है वो करनी होती है एट द टाइम ऑफ फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म जब भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ठीक है जैसे कि आप लोगों ने जस्ट अभी करे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल जब आप करेंगे तो आपको दो चॉइसेस देंगी दो चॉइस दी जाएंगी ठीक है एक तो चॉइस आपको मिलेगी क्या आपको ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जे आर एफ प्लस नेट के लिए देना है या फिर आपको ये एग्जामिनेशन सिर्फ नेट के लिए देना है नेट ओनली ठीक है इस तरीके से आपको बेसिकली दो चॉइसेस मिलती हैं अभी एग्जामिनेशन में आप कौन सी चॉइस फिल करेंगे ये क्वेश्चन बन जाता है आप लोग हमेशा जे जे आर एफ प्लस नेट की चॉइस फिल करेंगे अगर आप लोग एग्ज़ामिनेशन के टाइम तक तीस के हैं या उससे कम के हैं अगर आप लोग तीस प्लस हैं तो आप ये वाली चॉइस फिल नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते काफ़ी लोग ये पूछते हैं क्योंकि आज जो जे की पोजीशन है वो होती है जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन जो कि बेसिकली रिसर्चर के नाम से जानते हैं ठीक है जाने जाते हैं राइट सो so, रिसर्च करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट और द यूनिवर्सिटी लुक्स फॉर द यंग यंग माइंड ठीक है सो दैट्स वाई दे हैव पुट अ लिमिटेशन टू इट कि 30 साल के अंदर अंदर के लोगों को ही जे बनाया जाए ताकि वो लोग यंग एज पर ही रिसर्च कर सके ठीक है ये एक चीज होती है लेकिन अगर आप लोगों की एज 30 से प्लस है ठीक है तो आप लोग नेट ओनली के लिए तो फॉर्म ही भर सकते हैं बिल्कुल भर सकते हैं भाई क्या दिक्कत है तो आप नेट के लिए फॉर्म भरेंगे ठीक है राइट right? सो so, जो भी स्टूडेंट्स तीस से कम के एज के हैं आप सब लोग ध्यान रखिए कि आप लोग हमेशा फॉर्म फिल कर रहे हैं नेट जे प्लस नेट के लिए अब लास्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है इन लोगों को चूज करने की बारी सो so, कौन लोग नेट क्वालिफाई होते हैं कौन लोग जे आर एफ क्वालिफाई होते हैं इफ आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल अगर सौ लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं ठीक है अगर सौ लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टॉप सिक्स परसेंट टॉप सिक्स परसेंट जै, जैसे कि सौ का सिक्स परसेंट क्या होगा सिर्फ छह स्टूडेंट्स ठीक है अगर सौ ही लोग एग्जाम लिख रहे हैं लिख रहे हैं मतलब वो एट दैट पर्टिकुलर डेट प्रेजेंट हुए उन्होंने एग्जाम अपीयर किया है ठीक so, है सो छह ही स्टूडेंट्स का बेसिकली नेट क्वालिफाई होता है ठीक है so, सो इन छह स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाई अब आर एफ प्लस नेट वाले कौन से हैं इन ही छह स्टूडेंट्स में से अराउंड अराउंड वन वन स्टूडेंट, स्टूडेंट ठीक है? Student, और एक्चुअली लेस देन वन स्टूडेंट ठीक है लेस देन वन परसेंट ठीक है लेस देन वन परसेंट यू कैन से लेस देन वन परसेंट ठीक है क्योंकि सिक्स परसेंट का आपका नेट क्लियर uh, uh, हो चुका है इन्हीं में से जो क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनके बहुत ही बढ़िया नंबर आए उन लोगों का बेसिकली आपका अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली जिन्होंने तो so, ने किया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो डेफिनेटली एलिजिबल है ही ठीक so, है सो ये स्टूडेंट्सेंट इट ऑल्सो वेरीज की कौन से यूनिवर्सिटीज में कितनी जे आर एफ की पोजिशन है कितनी सीट्स हैं उनके हिसाब से चीजें देरी कर जाती हैं सो लास्ट एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए यही रहेगी वो यही रहेगी कि 30 साल से सा अगर आपकी उम्र कम है सो so आप हमेशा नेट प्लस जी के लिए ही फॉर्म फिल करें ठीक है थैंक यू